मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं, आज है 26 अगस्त 2022। चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने सर्वे के बाद कहा कि बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा, बूंदी के हालात व कोटा जिले के हालात देखे हैं, जगह जगह पानी भरा है, कई गांव पानी से घिरे हुए हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन ने अच्छा काम किया है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा है कि फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, कच्चे पक्के मकान भी गिरे हैं, इनका सर्वे हम अलग से करवा रहे हैं। आपको बता दूं, बूंदी जिले समेत कई जिलों में पिछले 4 दिन से हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश की वजह से सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हो गई है। वहीं बारिश से कई घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है, प्राकृतिक आपदा के कारण किसान को नुकसान हो रहा है। किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं, लेकिन हर बार नुकसान हो रहा है। अगर सरकार से समय पर मुआवजा नहीं मिला तो परिवार चलाना तक मुश्किल हो सकता है। आपको बता दूं, भारी बारिश के चलते जानवरों के रहने के बाड़े तक टूट गए हैं और पशुओं का चारा भी खराब हो गया है। टोंक जिले में भी भारी बारिश की वजह से 96,000 हेक्टेयर फसल हो गई है। माना जा रहा है सरकार जल्द ही सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेगी। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के गोविंदगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ एसएचओ हरि नारायण शर्मा को दबोचा है। करीब 6 लाख रुपए की घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। वकील और दलाल के जरिए रिश्वत ले रहा था आरोपी। कार्रवाई की भनक लगते ही दलाल और वकील फरार हो गए। पहले 4 लाख रुपए रिश्वत ले चुका था आरोपी। धोखाधड़ी के केस में मदद करने की एवज में 10 लाख रुपए की घूस मांगी थी। एसीबी एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं राजस्थान एसीबी को रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी मछली हाथ लगी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत का साहसिक फैसला, रोडवेज कर्मचारियों के हित में लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक प्रकरण से पहले नहीं मिलती थी ग्रेजुएटी, लेकिन अब 50% ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले का रोडवेज कर्मचारियों ने स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज का कहर जारी है। प्रदेश में सरकारी आंकड़े के अनुसार 31,232 पशुओं की मौत हो गई है और 7,33,180 पशु संक्रमित हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो सबसे अधिक पशुओं की मौत नागौर जिले में हुई है। यहां पर 5,111 पशुओं की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दूं, गहलोत सरकार पर लंपी वायरस संक्रमित पशुओं के आंकड़े छुपाने का भी बार बार आरोप लग रहा है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है, लेकिन भारी बारिश दर्ज नहीं की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक बारिश माउंट आबू तहसील में 39 मिलीमीटर हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले के मकराना में भी 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। और पिछले 24 घंटों के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर जिले में भी छिटपुट स्थानों पर बारिश हुई है। और अब बड़ी अपडेट ये है, मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4-5 दिनों के दौरान राज्य में भारी बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। हालांकि केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश की संभावना आज बन रही है। यानी कि ज्यादातर क्षेत्रों में अब बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आएगी और मौसम साफ रहेगा। एक और बड़ी खबर, अगर आप बाइक या मोटरसाइकिल में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर, बजाज सिटी 125 सीसी इंजन के साथ हुई लॉन्च। अब इसमें खास बात यह है, फोन चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट भी मिलेगा। बड़ी अपडेट यह है, केवल 71,345 रुपए से इसकी कीमत शुरू है। यानी कि बजाज ऑटो ने सिटी बाइक के इंजन पावर को बढ़ाते हुए अब इसे 125 सीसी के साथ लॉन्च किया है और इसकी कीमत 71,345 रुपए से शुरू होगी। इसके साथ ही बजाज सिटी 125 भारत की सबसे सस्ती 125 सीसी बाइक बन गई है। यानी कि 125 सीसी सेगमेंट की स्टाइल बाइक में होंडा साइन और हीरो स्प्लेंडर से यह बाइक आपको काफी सस्ती पड़ेगी।
एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने गुरुवार को गेहूं के आटे के इंपोर्ट पर बैन लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। यह फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए की बैठक में लिया गया। और बड़ी अपडेट यह है, सीसीईए से मिली मंजूरी के बाद अब आटे के इंपोर्ट पर बैन लगाने की अनुमति मिल जाएगी, जो आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाएगा। यानी कि आटे की कीमतों में पिछले कई दिनों से जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें अब कहीं न कहीं बड़ी राहत मिलने वाली है। यही थी देश और प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।